जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास है हमारी रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न, और रेलगाड़ी के महत्वपूर्ण प्रश्न मैं पहले भी लेकर आया हूं और उसका बेसिक्स भी मैंने आपको बताया, और आज फिर से मैं उसी के बेसिक्स के साथ अपना कंटिन्यू कर रहा हूं क्लास को। आपने ध्यान से इस क्वेश्चंस को लगाना है और इनको नोट करना है और प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस इतने महत्वपूर्ण हैं बच्चों कि हर कम्पिटिटिव में जो है रेलगाड़ी से जुड़े हुए ही क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं, जो कि अग्निवीर के लिए देखे जा सकते हैं, चाहे वो एयरफोर्स का हो, चाहे आर्मी का हो, चाहे आपका नेवी का हो, कोस्ट गार्ड का हो, हर जगह पर। हिमाचल पुलिस की बात करें तो उसमें भी हमें रेलगाड़ी से संबंधित, पटवारी के क्वेश्चंस में, सभी में हमें यही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो बहुत अच्छे से, बेहतरीन तरीके से आप तैयारी करें। तो स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न से स्टार्ट करता हूं आपके साथ इस क्लास को। तो पहला सवाल आपका आज का ये रहा, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। क्या है? एक रेलगाड़ी है और किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर रही है, तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कॉम्पिटिटिव के लिहाज से बहुत ही ज्यादा पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको लग रहा है इसमें कि थोड़ा सा टिपिकल है, तो पिछली क्लास से जो है मैंने आपको बताया उससे थोड़ा सा अलग है। तो ध्यान से सुनना है और ध्यान से डायग्राम में से भी आप समझ सकते हैं मेरी। देखिए, किसी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति, मतलब एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, क्या है ये प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये आपका प्लेटफॉर्म है और इसके ऊपर एक बंदा खड़ा है टपक करके, ठीक है, सुंदर आदमी। इसे 8 सेकंड में कोई रेलगाड़ी जो वो पार कर रही है, ठीक है, और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। क्या है? प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है, यानी कि 264, इसको कितनी देर में पार कर रही है? 20 सेकंड में, ठीक है। अब ये बताओ कि रेलगाड़ी की लंबाई, यानी कि इसके ऊपर जो रेलगाड़ी गई है, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। तो हमें लेंथ जो है वो x मानकर चलने पड़ेगा कि उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, x होगी। ट्राई करने की कोशिश करिए, सबसे पहले अपने आप से करिए, फिर बताइए, फिर आगे कंटिन्यू मैं आपको समझाऊं कि क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है। एक बार खुद ट्राई कर लीजिए, फिर आफ्टर देन ही मैं बताऊं आपको, तो ज्यादा मच बेटर रहेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन रहेगा, सभी ट्राई कर लीजिएगा, ट्राई मारिएगा अपने अपने। करिए करिए, कोशिश करिए अपना अपना। देखिए, इसकी अगर मान लीजिए ये अगर x है, क्या है, ट्रेन x है, ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई, x प्लस 264। इतना समझ आया कि नहीं आया? इतना क्लियर है, ठीक है। इसके बाद अब यहां पर भी स्पीड टाइम दिया और यहां पर भी टाइम दिया। अब ये तो है नहीं कि दोनों की दिशाएं अलग हों तो चल हम कुछ सोचे भी उसके बारे में, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। अब हम क्या करते हैं, हम यहां पर जब ट्रेन उसको क्रॉस कर रही थी, किसको, व्यक्ति को, तब उसकी स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड आपको पता है डिस्टेंस ओवर टाइम के बराबर होता है। किस बराबर होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम के इक्वल होता है। तो डिस्टेंस हम एक्स मान लेते हैं, तो व्यक्ति को कितनी देर में पार कर रही थी,
8 सेकंड में। तो हमारा ये जो x ओवर 8 क्या बन गया, मीटर पर सेकंड इसकी चाल बन गई। जब व्यक्ति को ट्रेन जो है वो 8 सेकंड में क्रॉस कर रही थी तो उसकी चाल क्या थी, x ओवर 8। क्लियर है? अब आप बोलोगे ठीक है सर, तो फिर यानी कि वो जो रेलगाड़ी है वो प्लेटफॉर्म पर भी तो क्रॉस कर रही थी 20 सेकंड में। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को भी तो क्रॉस कर रही थी। तो मैं बोल रहा ठीक है भैया, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, x ओवर 20, यानी कि इसकी चाल। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। अगर रेलगाड़ी की व्यक्ति के साथ देखनी है तो इतनी चाल होगी और प्लेटफॉर्म पर इतनी चाल होगी। तो अब हमें मालूम है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, अगर हमने ये स्पीड उठानी है तो टाइम में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको टाइम उठाना है 20 सेकंड, क्योंकि चल रही तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर ही है, 20 सेकंड में पूरे प्लेटफॉर्म को कवर करी, इसलिए आप ये वाली स्पीड नहीं ले सकते। ठीक है जी, इसका मतलब डिस्टेंस हो गया x प्लस 264 और स्पीड कितनी होगी, स्पीड होगी x ओवर 8, टाइम कितना हो गया 20 सेकंड, कितना हो गया 20 सेकंड हो गया। क्लियर है सबको इतना? अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 4 2 8, 4 5 20, एंड 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 528। ठीक है जी, कितना हो जाएगा, 528 ही आएगा ना। ठीक है, ये साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 3x आ जाएगा। तो 528 तीन से कर लो, 3 1 3 4 5, यानी 2 3 7 21 3 6 18। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 176 मीटर। कितनी होगी, 176 मीटर, 176 मीटर ये इसकी लेंथ निकल गई ट्रेन की। इस प्रकार से ये क्वेश्चन होना था। ठीक है जी, 176 मीटर जो है वो लेंथ होगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। इसको आपने नोट करना है ध्यान से और क्लियर करना है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया है क्वेश्चन। सभी ट्रायल मारिए, सभी साथ साथ में ट्रायल मारिएगा। एक रेलगाड़ी है प्रातः 10 बजे, ध्यान से है, 10 बजे 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटना के लिए रवाना हुई, और दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से दोपहर 12 बजे 75 की किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटना के लिए ही चली है। तो दोनों कितने बजे और दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी, यानी कि दोनों कितने बजे जो है और कितनी दूरी पर, दोनों चीजें निकालनी आपको, ये बताया है। तो ट्राई मारिए आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ट्राई मारिए जी, बहुत बढ़िया है क्वेश्चन। सभी करने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी है प्रातः 8 बजे चली है, ठीक है, सॉरी 10 बजे चली है और 60 होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, 60 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, यहां पर मिस्टेक लग रही है मुझे,
60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा बेटा, 7 तो बहुत ही कम हो गया उसका, ठीक है, कितना होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, दिमाग में रखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। तो बताएं कि दूसरी रेलगाड़ी 10 बजे चल रही है, कमेंट करिए आंसर, कमेंट करिए साथ साथ में। मान लेते हैं कि जो वो रेलगाड़ियां हैं वो दोनों रेलगाड़ियां 12 बजे एक्स घंटे के बाद जो हैं एक दूसरे के साथ मिलती हैं, ठीक है जी, यानी कि 12 बजे जो हैं, क्योंकि 12 बजे एक और चली है ना जी, ठीक है ठीक है, तो 12 बजे के बाद ही मिलेंगी, सुबह 10 बजे आई है तो दूसरी थोड़ी पहले मिल जाएगी, वो तो 12 बजे चली है, एक सुबह 10 बजे चली है वो तो चल रही है, दूसरी आई 12 बजे, अब जो 12 बजे आई वो तो 12 बजे के बाद ही मिल सकती है, पहले थोड़ी मिलेगी, ठीक है, तो बाद में ही मिलेगी, ये याद रख लेना पहली बात। दूसरी बात, मेरे को इसीलिए शक पड़ गया था क्योंकि 60 था यहाँ पे, 7 लिखा हुआ था, अब 7 हो नहीं सकता क्योंकि 7 होता तो 75 से कभी मैच ही नहीं होना था और उसने स्टेशन पे पहुंच भी जाना था, ठीक है। डिस्टेंस जो है हर बार बच्चों क्या होगा, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस यानी कि कम ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। अब क्या हुआ है, डिफरेंस कितने घंटों का आया है ये जरूर नोट करिए, कितने घंटों का आया, टाइम का फर्क 2 घंटों का, समय का फर्क आया, तो हम बोलते हैं कि मिलने के यानी कि T+2 टाइम पर जो है ये मिली है, कितने पर मिलेंगी, T+2 हो जाएगा, 2 क्यों हो जाएगा, जब मिली और वो 2 घंटे, यानी कि जब मिलने का समय था और 2 घंटे लेट का, तो ही तो वो उस वक्त मिलेगी ना आपस में, ठीक है, तो T+2 हो जाएगा। तो आगे देखिए, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जी, दूसरी 60 की चाल से थी, ठीक है जी। तो अब हमें ये मालूम है कि दोनों आपस में मिली हैं, ठीक है, ट्रेनें, तो कैसे होगा जी, 60 की स्पीड से गई हैं, ठीक है जी, तो 60 की स्पीड ये आ गई 60, ठीक है स्पीड, और ये आ गए इनके मिलने का समय, यानी कि दोनों ने, मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं अपनी तरफ से, फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से मैं समझा रहा हूं, कोई इशू नहीं है, आपने बारी बारी से बार बार समझने की कोशिश करनी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं फिर से इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। एक ट्रेन ये थी जो यहां से पटना के लिए गई, क्लियर, ठीक है, ये कितने बजे चली जी, 10 बजे चली और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली, कितने की चली, 60 किलोमीटर। दूसरी ट्रेन चली, ठीक है, कितने बजे चली ये, 12 बजे चली। अब बचा, जब तक ये चलेगी नहीं तो आपस में मिलेंगी कैसे, क्योंकि ये तो चलेगी आगे और ये चलेगी बाद में, ठीक है, तो जब ये बाद में मिलेंगी दोनों आपस में तो कुछ तो फर्क पड़ेगा ना, तो कितने का फर्क पड़ रहा है दोनों में, सर 2 आवर्स का, कितने का, 2 आवर्स का। मैं बोल रहा हूं मिलने का समय जो है वो इसके अंदर प्लस कर दो, जब भी मिलेंगी तो T+2, तो इनका दोनों का लेवल बराबर होगा, तो मिलने का समय प्लस 2 क्यों कर दिया, कि उसका जो टाइम है वो इसके इक्वल हो जाए, हर बार ये इक्वल करना है, ठीक है जी। अब ये कितने स्पीड से चली, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इतना क्लियर है, कोई इसमें फर्क है, कोई बात है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब आप बोलेंगे सर ठीक है जी, T+2 जो वो ये किसकी वैल्यू है, इसकी है या इसकी है, तो मैं बोलूंगा भैया आपको बराबर किसके साथ करनी है, इसके वाले के साथ कि इसके वाले के साथ, ठीक है, तो हमें तो करनी है 10 वाले के साथ, ठीक है, तो वो 12 बजे के वजह के बराबर होगा ना, ठीक है, तो T+2 यानी कि इसका टाइम क्या हो गया, T+2, हाँ या ना।
अब टी में जब मिला तो यानी कि प्लस टू उसके डाला तो इक्वल हो गया, यानी कि दोनों ने जो है जाना कहां पे था, पटना, दोनों गई तो पटना ही है। इसका मतलब दोनों का डिस्टेंस क्या हुआ हर बार, इक्वल हुआ। डिस्टेंस क्या हुआ हर बार, इक्वल हुआ। और डिस्टेंस किसके बराबर होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। किसका होता है, स्पीड इंटू टाइम। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन हो गया। बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझना था। अगर आपको ये क्लियर हुआ है तो ध्यान से करिएगा, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा ना तो कमेंट कर देना नीचे कि कहां पे दिक्कत आ रही है, फिर से इस वीडियो को देखना। नहीं तो स्पीड कितनी है बेटा, बोलो स्पीड कितनी है, 60 की, कितनी है 60 की, ये स्पीड आ गई। आगे चाल कितनी है जी, टी प्लस टू। क्यों आ गई है टी प्लस टू, क्योंकि मिलने का वो हमने टाइम ले लिया है, टी प्लस टू हो गया ना इक्वल। ठीक है, आगे चाल कितनी है इधर, 75। टाइम कितना है, टी, क्योंकि वो इक्वल माना है हमने, है ना, तो टी प्लस टू थोड़ी लेंगे अब बार बार थोड़ी है, इसका टी का टी ही रह गया, उसका टी प्लस टू हो गया, क्योंकि हम दोनों को एक लेवल पे ले लिया, तो इसका कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया, ये इससे डिवाइड कर लो टी, नहीं करना तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, बहुत ही अच्छा रहता है ये। 60t प्लस 120 इज इक्वल टू 75t। अब टी टी इकट्ठे कर लो, 120 इक्वल टू 75t माइनस 60t, कितने हो गए 15। ठीक है जी, कर लीजिए अब मल्टीप्लाई या डिवाइड, 5 3 15, 5 2 10, 5 4 20, 3 1 3, 3 8 24। तो टाइम कितना आ जाएगा, 8। और 8 क्या आएगा, 8 घंटे आएगा। क्यों आएगा 8 घंटे, क्योंकि सर इसकी जो चाल है वो घंटों में है और हमने कोई चेंज नहीं किया है, तो 8 घंटे जो है वो इसका सही आंसर होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन अच्छे से आपको ये क्लियर हुआ होगा। 8 घंटे का समय था ये था, और इसका आंसर जो है, अब दूसरा क्या है, दूरी के लिए, दूरी के लिए है 6, जो दूरी निकालनी है सर, ये अब आपने आंसर जो है वो शो हो गया है, 600 मीटर दूरी है, पर दूरी कैसे निकलेगी अब मैं वो सिखाऊंगा। तो बेटा कुछ नहीं करना है, ये जो 8 घंटे है आप इधर भर दीजिए, नहीं इधर भरना है तो इधर भर ले भाई, दोनों साइड एक ही बात है। डिस्टेंस दोनों ने, ट्रेनों ने क्या किया था, बराबर कवर किया था, क्या किया था, बराबर कवर किया था, इसलिए हम कहीं पे भी दोनों की जगह वैल्यू को पुट कर सकते हैं बेटा। तो हमें तो इजी करना है, इसलिए डिस्टेंस इज इक्वल टू 8 ये आ जाएगा और एक 75 आ जाएगा, तो जो कि आपका 600 के इक्वल। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करिएगा, जरूर। सभी मुझे बताएं कि आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो ही मुझे आगे चलना चाहिए। सभी बता दीजिएगा, थम्स अप कर दीजिएगा, और मुझे लग जाए पता कि आपको क्लियर हो गया है क्वेश्चन, ठीक है जी, तो ही आगे चलने का फायदा होगा प्यारे बच्चों। एक और क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाल दिया है, नया क्वेश्चन है, चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। दो स्टेशन है, एक दूसरे से 75 मीटर दूरी पर है, यानी कि दोनों स्टेशनों की आपस की दूरी फिक्स है, ठीक है जी। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्टेशन की ऑफ जाती है, यहां से यहां, मतलब एक स्टेशन ये दूसरा स्टेशन, डिस्टेंस 75 फिक्स रह गया जी। एक चल रही है चाल कितनी से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक उसी समय दूसरी रेलगाड़ी 75 किलोमीटर, एक और रेलगाड़ी गई उसी प्लेटफॉर्म से, वो चली 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और दोनों चली, और बताओ कि दोनों एक स्थान पर कब मिलेंगी, कितने समय पर मिलेंगी। बहुत ही सिंपल सवाल है बच्चों, बहुत ही सिंपल सवाल है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है आप खुद कमेंट करके ही निकाल दोगे प्यारे बच्चों।
अच्छा दूसरे स्टेशन से चलिए, यहां से चलिए भैया 35 किलोमीटर, ठीक है 35 किलोमीटर आप दूसरे स्टेशन से चलिए, ठीक है दिमाग में रख लेना, क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से तो ही आएगा भैया। अगर आप ये बोलोगे कि पढ़ा पुढ़ा है नहीं और डायरेक्ट दे दिया आंसर, ऐसे नहीं होता है, ध्यान से करो। जल्दी से जल्दी बताएं कि दोनों किस स्थान पर मिलेंगी, कितने किलोमीटर के बाद मिल जाएंगी। सभी ट्राई करिएगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां से ट्रेन चली, यहां से भी ट्रेन चली, डिस्टेंस में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ये जरूर बताइए। डिस्टेंस में फर्क पड़ेगा भैया, डिस्टेंस कम होगा क्योंकि एक ट्रेन यहां से जा रही है, दूसरी ट्रेन यहां से आ रही है, वो जिस स्टेशन पर मिल रही है हमें तो वो दूरी निकालनी है ना मेरे भाई, ठीक है दूसरी दूरी तो निकालनी नहीं हमें, ठीक है तो दूरी में फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर आप फिर से समझिएगा, मैं फिर से कोशिश करूंगा, एक ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को गई, अब दूसरे स्टेशन वाली वहां से चली, वो बीच रास्ते में मिलेंगी कि दोनों स्टेशन में मिलेंगी अपने, स्टेशन पे कैसे मिलेंगी, वो तो उल्टा चलेगी ना क्रॉस, तो जब क्रॉसिंग टाइम है तो उस वक्त डिस्टेंस कम होगा ना कि डिस्टेंस सेम रहेगा। बच्चे कमेंट कर रहे हैं सेम रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है जी। अच्छा जी चलो एक तो बात ये होगी, दूसरा आ गया स्टेशन की बात। अब मानकर चलना पड़ेगा कि दोनों स्टेशनों की जो दूरी है वो पहले स्टेशन से की जो दूरी है जहां पर ये मिलेंगी वो x पर मिलेंगी, किस पर मिलेंगी x पर मिलेंगी, ठीक है तो दोनों में एक खास चीज क्या है, दोनों में खास चीज क्या है वो ध्यान से निकालिए। दोनों की खास ये है कि दोनों रेलगाड़ियां एक ही समय पर चल रही हैं, क्या है एक ही समय पर चल रही हैं प्यारे बच्चों, और आपको पता होना चाहिए समय बराबर है समय, क्या है समय बराबर है समय, और समय किसके बराबर होता है दूरी बटा स्पीड, चाल, दूरी बटा चाल यानी कि स्पीड। बोलो इतना क्लियर है। अब दोनों ने जो दूरियां हैं वो तो अलग अलग तय की हैं, मान कर चलते हैं एक ने आपकी जो दूरी है वो x तय कर ली, कितनी कर ली x कर ली है, तो दूसरे वाले की दूरी क्या होगी 75 माइनस x, टोटल में से जो x लेस हो जाएगा वो बच गया वो उस पे मिलेगी, क्लियर हुआ। और स्पीड पहले वाले की स्पीड कितनी थी 40, दूसरे वाले की स्पीड कितनी थी 35, कर लो कैलकुलेट आएगा आंसर, कर लो कैलकुलेट भैया, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, बस कैलकुलेशंस पावर अच्छी होनी चाहिए। ये 5 से चला जाएगा, 5 8 40, 5 7 35, कितना हो गया 7x इज इक्वल टू 8 5 40 4 8 56 4 600, ठीक है माइनस 8x यहां पर आया 8, 7x जमा 8x हो गया, कितना हो जाएगा 14 15 हो जाएंगे, और 15 4 60 तो 40 किलोमीटर की पर जो है ये दोनों रेलगाड़ियां आपस में आके। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अगर किसी को नहीं हुआ है तो जरूर मुझे बताएं, मैं आपको बहुत अच्छे से फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। बच्चे जब भी डिस्टेंस जो है वो कम होगा, दोनों टाइम में क्या होगा डिस्टेंस कम ही होगा, बढ़ेगा कैसे,
एक रेलगाड़ी सामने से आ रही है, एक रेलगाड़ी दूसरी सामने से जा रही है, तो डिस्टेंस क्या हुआ हर बार कम हुआ। और दूसरा सबसे अच्छा जो इन्होंने हमारे पास दिया था, ठीक उसी समय, ये याद रखना है, ठीक उसी समय, ये थी इसमें नकल दी थी, हिंट दी थी क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी और आप इसको शेयर करेंगे दोस्तों में फटाफट में, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका सामने आ चुका है, कोई रेलगाड़ी है बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से अपनी यात्रा पूरी करती है, परंतु किसी दिन किन्हीं विशेष कारणों के से बार बार रुकने के कारण वो है, जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली और उसने पूरी यात्रा भी करती है, पर ज्ञात कीजिए कि प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, कितने मिनट रुकती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जब भी इस टाइप का बच्चों क्वेश्चन आ जाए कुछ नहीं करना है, उसकी रेगुलरिटी को देखना है और डिफरेंस यानी कि 80 माइनस 60 बटा 80 कितना हो गया, 20 बटा 60 20 बटा 80 4 1 बटा 4 कितना आएगा, 1 बटा 4 ठीक है। और 1 बटा 4 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे घंटों में कन्वर्ट करने के लिए 60 से, ठीक है, किससे कर देंगे 60 से, तो कितना आ जाएगा जी, बताएं आंसर बताएं, 15 कितना आ जाएगा, 15 मिनट, मिनट्स में कन्वर्ट हुआ है, कितने मिनट, क्योंकि मिनटों में पूछा था, घंटे तो हमारे थे, 1 बटा 4 घंटे ही थे, पर उसको किस में कन्वर्ट किया है, मिनटों में कन्वर्ट किया है, इसलिए ये MIN कर देता हूं कि आपको पता लग जाए मिनटों में कन्वर्ट हुआ है। बताइए क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है, क्वेश्चन कितना अच्छा लगा ये जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगे तो भी बताइएगा, दोस्तों में भी बताइएगा, शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से स्टार्ट करें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, कोई रेलगाड़ी एक नियत चाल से तय करती है, दूरी तय करती है और आधी दूरी दुगने समय में पार करे तो उस चाल और नियत चाल का अनुपात बताएं, रेशो बतानी है बच्चों, तो मान लेते हैं कि उसकी चाल x है, क्या है x चाल ले लीजिए, ठीक है, नियत चाल, और दूरी आप y मान लीजिए कि दूरी जो है उसकी y है, यानी कि स्पीड आप जो है वो x मान लीजिए, ठीक है जी, और डिस्टेंस क्या मान लेना है y, क्योंकि कुछ तो मानने पड़ेगा ना, ठीक है। अब उन्होंने ये कहा है कि आधी दूरी जो है वो दुगने समय में पार करती है, यहां पे डबल बोला है ना, डबल, ठीक है, तो इसका मतलब टाइम किसके बराबर हो गया बेटा, डिस्टेंस ओवर स्पीड होता है, तो डिस्टेंस कितना है उसका, वाई, मगर वो बोला है क्या है, आधी दूरी जो है वो क्या करती है, डबल, ठीक है, डबल चाल से, यानी कि डबल स्पीड से कर रही है, आधी दूरी दुगने समय से पार करती है, करे तो इस चाल को, है ना, तो यानी कि 2x हो गया, ठीक है, क्या हो गया, 2x हो गया। अब इसी प्रकार से उन्होंने बोला था आधी दूरी, नहीं 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 नहीं, नहीं। उन्होंने बोला है कि नियत दूरी चाल में तय करती है, आधी दूरी दुगने समय में पार करती है, दुगने समय में पार करे तो उसकी चाल और नियत का अनुपात निकालना है, ठीक है, तो अब दूसरी तो है वो तो नियत में करती है ना, रेगुलरली कर रही है, ठीक है, तो उसका टाइम क्या होगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड, इनकी वाई ओवर एक्स, सिंपली,
ठीक है। तो अब इन दोनों का कंपैरिजन पूछा है कि इन दोनों का जो नियत का हमने जो टाइम का है वो रेशो क्या बन रही है, क्या बोल रहे हैं उसकी रेशो क्या बन रही है, वो उन्होंने ये क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, यानी कि सबसे पहले किसको पूछा है उसकी चाल यानी कि दुगने टाइम वाली, ठीक है, तो y ओवर 2x ओवर y ओवर x, y ओवर 2x इंटू x ओवर y, y से y गया x से x गया, कितना आया 1 ओवर 2, दैट इज 1:2, क्या आएगा 1:2, तो ये अनुपात रहेगा। क्वेश्चन ना थोड़ा सा घुमाता है पर थोड़ा सा भी आप कॉन्सेंट्रेशन लगाएंगे तो आप समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा था। ठीक है, ये 2x का फिर से बता देता हूं बेटा कि जो स्पीड है वो हमने दुगनी की है क्योंकि उसने बोला है आधी दुगने समय में तय करती है, तो दुगना समय मेरे को करना था इसलिए मैंने 2x लिख दिया है। ठीक है, 2/2x, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिएगा फिर से। क्या कहती है, एक रेलगाड़ी के पहिए की परिधि इतने मीटर है, 4 सेकंड में 7 चक्कर लगाती है, क्या बोला है 4 सेकंड में 7 चक्कर लगाती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब पहिया कैसा होता है भैया, आपको पता है ये पहिया गोल ही होता है जी, और कैसा होता है, अच्छा जी परिधि क्या दी हुई है, परिधि मतलब आपको समझ गए होंगे, परिधि ये होता है सर्कुलेशन, तो सचो के 28/29 30/7, ठीक है, तो 4 सेकंड में कितने चक्कर लगा रही है 7 कितने कैसे लगा रही है, एक परिधि के साथ लगा रही है, तो एक परिधि कितनी हुई 30/7, 7 से 7 गया यानी कि 30, यानी कि 4 सेकंड में कितनी लगा रही है 30 मीटर दूरी तय कर रही है, यानी कि ठीक है कितनी दूरी तय कर रही है 4 सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो बच्चों चाल जो होती है वो होती है दूरी बटा समय, ठीक है, तो दूरी कितनी तय की 30, समय कितना लगाया, समय कितना लगाया बेटा 4, ठीक है, तो 2 × 4 दो ये आ गया 15, 7 × 14 और 1 15, ठीक है, तो कितना आ गया, अच्छा ये तो मिक्स फ्रैक्शन है, इन्होंने दिया है किलोमीटर प्रति घंटा और हमने जो निकाला है वो मीटर पर सेकंड में निकाला है। ठीक है, आप इतना भी रख सकते हैं, ये हमारा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हुआ है, आंसर देख रहा हूं वहां पर किलोमीटरों में दिया है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं 15/2 × 18/5 कर लेंगे, तो करिए 5 × 15 और 2 × 18, तो 9 × 27 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपका आंसर रहेगा। तो कैसे लगे आपको आज के प्रश्न, थे कुछ जानदार, आई होप कि आपको ये जानदार क्वेश्चंस इस प्रकार से बहुत अच्छे लगे होंगे, हम और भी ऐसे ही क्वेश्चंस को लेकर आएंगे और भी ये बेहतर टू बेहतर क्वेश्चन, बस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और दोस्तों को भी बताना कि पढ़ाई करनी है तो सिर्फ एक ही लक्ष्य लेके वो है सिलेक्शन। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिए, नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जय हिंद जय भारत।